शायद दिखने लगी। हेलो, केमिस्ट्री 11th यूनिट सेकेंड है ना? यस यस रेडी, यस गुड आफ्टरनून टू 11th क्लास। अरे हो गया गड़बड़, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से करते हैं उसको, है ना। तो देखिए, अभी हम जो डिस्कशन आज करने वाले हैं, हमारी जो यूनिट नंबर सेकंड पे डिस्कशन चल रहा है, और यूनिट नंबर सेकंड में हम जो पढ़ने वाले हैं, वो हम ये पढ़ रहे थे अभी, क्वांटम नंबर्स कंप्लीट किए हमने। और क्वांटम नंबर कंप्लीट करने के बाद, क्वांटम नंबर कंप्लीट करने के बाद में हम पहुँचे हैं अभी इस आगे अगर हम बढ़ें। निखिल बताना भैया, स्क्रीन लग गई, स्क्रीन आ गई दिखने? हेलो, यस और नो? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही, फिर देख रहे हैं हम। एक मिनट, प्रेजेंट स्क्रीन स्टार्ट ना, एक मिनट। अब बताओ, यस और नो? स्क्रीन, चलो स्क्रीन देखने लगे, चलिए ओके ओके। सब सभी लोग म्यूट म्यूट करो, आवाज़ें आ रही बहुत लोगों की, हमने कहा एक ही खुला रहेगा केवल। चलिए, तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, गुड आफ्टरनून टू 11th क्लास स्टूडेंट, वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द क्वांटम नंबर एज वेल एज द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑल्सो। सो इन प्रीवियस क्लास वी फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। हम जानते हैं कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, और एटम में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, एटम के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जिन नंबर्स की हेल्प ली जाती है, उनको क्वांटम नंबर कहा जाए। तो हम लोगों ने ये जाना था कि एक्चुअल में क्वांटम नंबर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और किस किस तरीके से हमें क्वांटम नंबर से रिमेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाती है। तो अब हम अगर आगे जाएंगे, तो जैसा कि चौथी क्वांटम नंबर ये पढ़ ली थी हम लोगों ने, पहली थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल एज वेल एज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, एजीमिथल क्वांटम नंबर, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब सेल। थर्ड वन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज द स्पिनिंग क्वांटम नंबर, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, तो ये आपको सब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। अगर अब आप इसके और डिटेल पर जाएं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है? तो स्क्रीन से यस और नो, स्क्रीन क्लियर है आपको? एक कोई यस, ओके। सो ना, यस यस ओके। सो ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जरा देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल वन है अगर, तो सब सेल क्या होगा, एक ही होगा। पहला सेल जो होता है उसमें एक ही सब सेल रहता है, जिसे एस कहते हैं, सुनते जाना, ये बेसिक चीज है। दूसरा सेल रहता है उसमें टू सब सेल होते हैं, एस और पी। तीसरा सब सेल रहता है उनमें तीन, तीसरा सेल जो होता है उसमें तीन सब सेल होते हैं, एस पी एंड डी। और जो चौथा सेल होता है उसमें फोर सब सेल रहते हैं, जिन्हें एस पी डी एंड एफ कहा जाता है। ठीक है, एस पी डी एफ। तो इस तरीके से हमारे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर उसकी वैल्यू एक है, तो सब सेल उसमें जीरो, मतलब दैट मीन एस होगा। देखो लिखा हुआ है एस पी डी एफ में, उसे बने से रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसका एक ही होता है, वही है, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेंस एन स्क्वायर से निकलते हैं, तो वन हो गया। अब सेल अगर हमारा दूसरा आ गया, तो उसमें 2s और 2p होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल है टोटल चार हो जाएंगे, बिकॉज s जो सब सेल होता है उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। p सब सेल रहता है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं। d सब सेल रहता है उसमें पांच ऑर्बिटल होते हैं, और एफ सबसेल रहता है उसमें 14 ऑर्बिटल रहते हैं। वी नो दैट एन ऑर्बिटल मस्ट बी कैरी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू। किसी भी एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो होती है, किसी भी एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या
दो होती है, तो अगर एस में एक ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो होंगे, पी में तीन ऑर्बिटल हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छः होंगे, डी में पांच ऑर्बिटल हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दस होंगे, और एफ में सात ऑर्बिटल हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चौदह होंगे। तो ये सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दी हुई है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीन है तो एजीमथल क्वांटम नंबर जीरो वन और टू होगी। याद करो उसको कैसे निकालते थे, पिछली स्लाइड्स को देखना, आप यूट्यूब में डाला रहता है कि हमने आपको बताया था कि जो एल की वैल्यू है, एल निकलता है जीरो टू एन माइनस वन, एल की जो वैल्यू है वो जीरो से लेके एन माइनस वन तक होती है। तो जीरो से एन माइनस वन निकालोगे तो क्या होगा, जीरो टू एन माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन, दैट मीन जीरो से टू, जीरो से टू मतलब जीरो वन टू, तो आ गए ये वैल्यू। जीरो रिप्रेजेंट करता है एस के लिए, वन रिप्रेजेंट करता है पी के लिए, टू रिप्रेजेंट करता है डी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गए, इनके ये हम डिफरेंस दे दिए आपको, एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के भी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो देखेंगे जरा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्बिट क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द डेफिनेट सर्कुलर पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सो ऑर्बिट क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग सर्कुलर पाथ है, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। ऑर्बिटल किसे कहते हैं, द थ्री डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस, द थ्री डायमेंशनल रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस रहता है उस न्यूक्लियस के आसपास, उस न्यूक्लियस के आसपास जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उनकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। दैट मीन जो ऑर्बिटल है वो थ्री डायमेंशनल पाथ है जहाँ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। सो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होती है उसी थ्री डायमेंशनल पाथ को क्या कहा जाता है, उसी थ्री डायमेंशनल पाथ को ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या लिखी हुई है जरा देखेंगे, दिख रहा है इट इज टू डायमेंशनल पाथ, प्रेजेंटेशन हट गई है, अरे भैया चलो ठीक है, चलो ओके ठीक है। तो ऑर्बिट जो है हमारा, तो इट इज टू डायमेंशनल पाथ, ऑर्बिट जो होता है वो टू डायमेंशनल पाथ होता है ऑर्बिट, और जो आपका ऑर्बिटल होता है वो थ्री डायमेंशनल पाथ है, जो ऑर्बिटल है वो थ्री डायमेंशनल पाथ है, और जो ऑर्बिट है वो हमारा कैसा होता है, जो ऑर्बिट रहता है वो टू डायमेंशनल पाथ होता है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है ऑर्बिट में, द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी। जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट जो होता है उसमें द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और वेलोसिटी को इन एन ऑर्बिट में कैन बी कैलकुलेटेड, एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। बट ऑर्बिटल जो होता है, द पोजिशन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें कहा गया द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी, सॉरी कैन नॉट, ओके वही मैं कह रहा था, ये कैसी डाउटफुल बात आ गई। तो लिखा हुआ है ऑर्बिटल में द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये आप प्रीवियस क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो कि किसी भी एक सेल में ऑर्बिट में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल में जैसा कि हमने आपको बताया मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। तो किसी भी एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग होते हैं और किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, बस। ओके सर, आगे बढ़े, अगर हम आगे बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, इसका अभी हम आपको वीडियो भेजते हैं, वीडियो ऑफ क्वांटम नंबर का 11 मिनट का वीडियो होगा, क्वांटम नंबर का वीडियो आपके पास आएगा अभी यूट्यूब पर, ठीक है। रिकैप्चुलेशन, क्योंकि ये पैरा खत्म हो रहा है ना, ये पैरा खत्म हो रहा है, तो बात करेंगे इसमें रिकैप्चुलेशन वाला, हमने क्या क्या पढ़ा, क्वांटम नंबर किसे कहते हैं ये डिस्कशन किया, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर किसे कहते हैं ये आपने देखा, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया, तो उसको भी हमने देखा। इसके बाद आपके लिए असाइनमेंट है, देखिए जरा क्या असाइनमेंट है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एन एंड एल फॉर 2p ऑर्बिटल। दिमाग लगाओ कि 2p ऑर्बिटल के लिए एन और एल की वैल्यू क्या है, तो 2p में जो 2 है वो तो खुद ही एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2p में जो 2 है
वो खुद ही n की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो p होता है उसके लिए जो l की वैल्यू रहती है वो 1 होती है, ठीक है, और s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इनकी वैल्यूज हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, बताइए 1p पॉसिबल होता है, 2s पॉसिबल होता है, 3f पॉसिबल होता है, 4d पॉसिबल होता है, आप बताएं जरा इसमें से। तो आप समझ जाएंगे कि 1p पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहले सेल में केवल एक ही सब सेल होता है जिसे s कहते हैं, 1s। नेक्स्ट लिखा है, यूजिंग s p d एंड f नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, आप बताओ अगर n बराबर 1 है और l बराबर 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा। n बराबर 1 है, दैट मीन 1 हो गया, ठीक है, n इक्वल टू 1 है मतलब 1 हो गया, l इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब वो इसके बाद ये असाइनमेंट है आपके लिए, और आपके लिए ये बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद है। इसके अलावा आप इस वेबसाइट को भी, रेफरेंस और वीडियो के लिए इस वेबसाइट को भी देख सकते हो, या अभी हम ही आपको अपना उसमें वीडियो आपको डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।